दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जानी दुश्मन। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है खूनी दौलत। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, ये आपने पढ़ ली होगी तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और यहां तक हम पहुंच चुके हैं खूनी दौलत में। अब आगे पढ़ते हैं। जब कार काफी दूर निकल आई तो माधो सिंह लंबी खामोशी को तोड़ते हुए बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? समयपुर। समयपुर? हाँ, समयपुर एक ऐसी जगह है जहां पुलिस की निगाह से बचकर कुछ दिन गुजार सकते हैं। समझा, शायद तुम्हारा इरादा ठाकुर अर्जुन सिंह के यहाँ डेरा डालने का है। तुम बिल्कुल ठीक समझे, लेकिन अगर ठाकुर ने मैं अपने यहाँ ठहराने से इनकार कर दिया तो वैसा हरगिज नहीं करेगा। फिर चंपा बाई भी तो वहां होगी। हा, कौन जाने हमारी वहां किससे मुलाकात होगी। 20 साल गुजर चुके हैं, अब तो वहां बहुत बदलाव आ गया होगा। बदलाव कितना ही क्यों ना आ गया जाए, इंसान अपने गुनाहों को नहीं भूलता। ठाकुर अर्जुन सिंह भी अपनी बीवी और बेटे की मौत को नहीं भूला होगा, लेकिन फिक्र न करो, हम वह वही करेगा जो हम चाहेंगे। हा। तब माधो सिंह खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद ही कार समयपुर की सीमा में दाखिल हो रही थी, लगभग आधे घंटे बाद। याद है तुम्हें चंपा भाई से पहली बार हम इसी जंगल में मिले थे, लेकिन तुमने कार यहाँ को रोक दी। हवेली तो यहाँ से दूर है। बंदे खां कार से उतर कर बोला, मैं नहीं चाहता कि इस कार पर किसी की नजर पड़े। तुम यही ठहरो, मैं ठाकुर से मिलकर सुबह होने से पहले हर हालत में यहाँ लौट आऊंगा। ठीक है। तत्पश्चात बंदे खां वहां से चला गया। बंदे खां के जाने के थोड़ी देर बाद ही जैसे ही माधो सिंह कार से उतरा, मैं आऊं, ओ काली बिल्ली, यहां इस वीरान जंगल में। तभी अचानक बिल्ली उछली और खी खी। माधो सिंह बड़ी मुश्किल से बिल्ली को अपने जिस्म से अलग करने में सफल हो पाया। आह, मैं आऊं, लेकिन मैं आऊं। ओ, तू अभी भागी नहीं, ठहरा, अभी तुझे ठिकाने लगाता हूं। अगले पल अब तू नहीं बचेगी। मैं आऊं और फिर धोए, मैं आऊं। बिल्ली को भागते देख बचकर कहां जाएगी, कम वक्त मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्रोध और झुंझलाट के कारण माधो सिंह पागल सा हो गया था। उसने भागते हुए बिल्ली पर फिर फायर किया, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक गया। थोड़ी दूर जाकर अचानक, अब बचकर कहां जाएगी। हा। तभी आह, और फिर ही, नहीं। अगले पल आखिरकार तेरी मौत तुझे मेरे पास खींची लाई। ही आह। उधर हवेली में खट खट खट। दस्तक की आवाज सुन चंपा हड़बड़ाकर उठ बैठी। खट खट खट, इतनी रात गए कौन हो सकता है, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? कहीं हमेशा की तरह मैं मेरे मन का भ्रम तो नहीं? कितने साल गुजर गए, मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सोच की। हर रात कोई न कोई अजीब घटना घटती रहती है। उनकी मौत के बाद तो मेरा जीना आराम हो गया है। मरने से पहले अक्सर वो कहा करते थे चंपा चलो इस हवेली को छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लगता दुर्गा मरी नहीं जिंदा है, वह रात के अंधेरे में हवेली के चक्कर लगाती है। कैसी बात करते हैं ठाकुर साहब, मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। आप यह क्यों बोलते हैं कि दुर्गा की जली हुई लाश हम दोनों ने जंगल में ले जाकर दफनाई थी? अब तो उसके शरीर का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा होगा। नहीं, चंपा दुर्गा जिंदा है, मैंने उसे अपनी आंखों से हवेली में घूमते देखा है। हमें इस मन उस हवेली को फौरन छोड़ देना चाहिए, वरना वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब वह जीते जी हमारा कुछ न बिगाड़ सकी तो मर कर हमारा क्या बिगाड़ेगी? आप उसका डर अपने मन से निकाल दीजिए, वरना अनजाने में आपके मुंह से निकली बात कहीं मैं किसी मुसीबत में न डाल दे। रीता बड़ी हो रही है, आपकी नादानी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हमें हवेली न छोड़े तो एक काम करो,
रीता को शहर में किसी बोर्डिंग में रखा हो। मैं नहीं चाहता कि दुर्गा या उसकी प्रेतात्मा का साया भी उस पर पड़े। प्रेतात्मा? हा। मैं प्रेतात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करती, पर आप कहते हैं तो मैं कल ही रीता को शहर के किसी अच्छे बोर्डिंग में रखाऊंगी। हाँ, यही उचित होगा। और दूसरे दिन मैं अपनी 5 साल की बेटी रीता को लेकर शहर चली गई, लेकिन रीता को बोर्डिंग में छोड़ जब मैं वापस लौटी। क्या बात है, तुम लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जवाब दो। लेकिन इससे पहले कि कोई नौकर जवाब देता, कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर गुप्ता, क्या बात है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आई एम सॉरी ठकुरान साहिबा, काफी कोशिशें करने के बावजूद भी मैं ठाकुर साहब को बचा नहीं सका। क्या? ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा था। मेरे पहुंचते पहुंचते उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। नहीं, और फिर मैं लगभग विकसित सी हालत में दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे इस तरह के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए स्वामी। तभी मैं आऊं, मैं आऊं। अरे काली बिल्ली यहाँ इस समय? मैं आऊं। और अचानक मैं आऊं। तभी चंपा की सोचे भंग हो गई। आह, और फिर मैं भी कितनी पागल हूं। उस बिल्ली ने मुझ पर जो हमला किया वह एक इत्तेफाक था और मैं उसे आज तक नहीं भुला पाई। चंपा अपने दिल को ढाढ़स दे रही थी कि तभी उसकी निगाह खिड़की के शीशे के बाहर से झांक रहे चेहरे पर पड़ी। कौन कौन है वहां? अचानक चेहरा शीशे के पीछे से हट गया और दूसरे पल कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है बाहर? मैं हूं बन्ने खां। दरवाजा खोलो चंपा भाई। बन्ने खां? और चंपा सोच में पड़ गई। बन्ने खां इतने सालों बाद यहाँ? फिर कुछ देर सोचने के बाद चंपा ने दरवाजा खोल दिया। बन्ने खां तुम यहाँ और इस वक्त? बताता हूं, पहले अंदर तो आने दो। और फिर अंदर पहुंचते बन्ने खां अपने आने की वजह बिना किसी भूमिका के विस्तार पूर्वक चंपा को बताने के बाद बोला, अब कुछ दिन यहाँ छुपकर बिताने के सिवा हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। वह क्या? कल मेरी बेटी रीता यहाँ छुट्टियां बिताने आ रही है, इसलिए तुम दोनों सिर्फ नौकरों की हैसियत से यहाँ रह सकते हो। मंजूर है? और हाँ, यहाँ रहते हुए तुम दोनों को इस बात का ख्याल भी रखना होगा कि किसी बाहरी आदमी की नजर तुम पर न पड़े। हम भी तो यही चाहते हैं क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। पर ठाकुर, चंपा बन्ने खां की बात बीच में काटते हुए बोली, ठाकुर साहब अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। ओ चलो, यह अच्छा ही हुआ, अब तुमसे अपना मतलब निकालना मुश्किल नहीं होगा। क्या सोचने लगे? तो कुछ नहीं सोच रहा था, दिन निकलने से पहले कार को ठिकाने लगाकर मुझे माधो सिंह के साथ यहाँ पहुंच जाना चाहिए। और फिर बन्ने खान चंपा से विदा ले वैली के पिछवाड़े से होता हुआ बाहर निकल आया। लगता किस्मत अपने साथ है, अब पुलिस तो क्या, पुलिस के फरिश्ते भी हम तक नहीं पहुंच सकते। हा। लेकिन जब बन्ने खान स्थान पर पहुंचा जहां पर वह माधो को छोड़ गया था तो पो फटने वाले गई थी। अरे माधो कहाँ गया? और वह कार? उधर सिविल अस्पताल में जैसे ही एसपी देव की मूर्छा भंग हुई। सर सर आप? और थैंक गॉड आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। लेकिन सर मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? मैंने आपको यहाँ पहुंचाया था सर। तब आई जी नाथ विस्तार से बताते हुए बोले, जब तुम काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो इंस्पेक्टर गिल को शक हुआ और वह तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा। सौभाग्य से गिल की नजर तुम पर सही वक्त पर पड़ गई और वह तुम्हें घायल अवस्था में उठाकर यहाँ ले आया। ओ, लेकिन तुम्हें घायल किसने किया? उन्हीं फरार मुजरिमों बन्ने खां और माधो सिंह ने। तब देवाजी नाथ को अपने आप बीती सुनाने के बाद बोला, अगर मुझे थोड़ा भी मौका मिलता तो मैं उन्हें कभी यूं बचकर नहीं निकल जाने देता। फिक्र मत करो, वह जहां भी जाएंगे जल्द पकड़ लिए जाएंगे। हमने कार चोरी होने और मुजरिमों के फरार होने की सूचना स्टेट के पुलिस थाने को दे दी है। वे बदमाश जहां कहीं जाएंगे पुलिस उनका पता निकाल देगी। ओ, तो क्या कार अभी तक बरामद नहीं हुई है? नहीं सर। ओ, फिर तो कार के बरामद न होने तक यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे किस ओर गए हैं। अभी देव सोच ही रहा था कि तभी वैद्य जी हड़बड़ाए हुए से कक्ष में दाखिल हुए। ओ देव बेटे, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं काका, मुझे तो इस अखबार से पता चला कि तुम अस्पताल में हो। तुम्हें सलामत देख मेरे दिल को सुकून मिल गया। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है,
जो अपन ने खौर माधो नाम के अपराधी जेल से फरार हुए हैं वे वही है। मैं समझा नहीं काका कौन है वे। इन शैतानों को पहचाने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती बेटे। यही है तुम्हारी माँ के कातिल। क्या बन्ने खौर माधो मेरी माँ के कातिल? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वे मेरे हाथ से बच नहीं सकते। वे जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तभी एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंध गया। जिस ओर वे कमीने गए हैं उसी ओर से एक रास्ता समयपुर की ओर जाता है। कहीं वे समयपुरी तो नहीं गए हैं? फिर जल्दी देव की सोचें विश्वास में बदल गई। वे जरूर समयपुरी गए हैं। वहां जरूर उनका कोई गुप्त गुप्त ठिकाना होगा। यह पता लगाने की उन्होंने मेरी माँ की हत्या क्यों की और किसके इशारे पर की, इससे अच्छा अवसर कोई और नहीं मिल सकता। तभी क्या सोचने लगे देव? बन्ने खौर माधो सिंह तुम्हारी माँ की हत्या में इन्वॉल्व है, इसका जिक्र तुमने हमसे पहले क्यों नहीं किया? आज से पहले मैं स्वयं इस तथ्य से अनभिज्ञ था सर। तब देव अपनी माँ के हत्याकांड का ब्यौरा देने के बाद बोला, सर मैं समयपुर जाकर छानबीन करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है वे दोनों शैतान वहीं होंगे। हो सकता है पर ऐसी हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। पहले तुम स्वस्थ हो लो। मैं किसी दूसरे आला अफसर को तहकीकात के लिए समयपुर भेज देता हूँ। नो सर, इस काम को अंजाम देने की मुझे इजाजत दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने के योग्य हूँ। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर उसी शाम, बेटे अपना ख्याल रखना, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। आप निश्चिंत रहिए काका और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मिशन में कामयाब होकर ही लौटूं। और फिर देव वैद्य जी से विदालय जी पर सवार हो चल पड़ा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रात ढले जब एसपी देव समयपुर पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां का दृश्य देख उसकी आंखों में आश्चर्य जाग उठा। ओ वह तो मेरी कार है, लगता है यहाँ कोई घटना घटी है। देव जीप से उतरकर सब इंस्पेक्टर के निकट पहुंचा और अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद बोला, कार कहाँ से बरामद हुई? वह लाश किसकी है? सर मैं भी सूचना भेजने ही वाला था पर अच्छा हुआ आप आ गए। फिर सब इंस्पेक्टर विस्तार से बताता हुआ बोला, आज सुबह पहाड़ी झील में स्नान कर रहे पर्यटक युवकों ने आकर सूचना दी कि झील में एक कार डूबी पड़ी है। मैं फौरन घटना स्थल पर पहुंच गया। कार निकलवाने पर हमें पता चला कि उसमें जिस आदमी की लाश मौजूद है वह फरार अपराधियों में से एक है। उसका नाम माधो सिंह है। देव सोच में पड़ गया, आखिर माधो सिंह कार सहित जेल में कैसे जा गिरा और बन्ने खां कहां गया? तभी देव की सोचों को भंग करता हुआ सब इंस्पेक्टर आगे बोला, सबसे अजीब बात यह है सर कि माधो सिंह की मौत पानी में डूबने के कारण नहीं हुई है। तो फिर? ऐसा लगता किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला मरोड़ कर तोड़ डाला है। यह काम कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। ओह मैं एक बार लाश का मुआयना करना चाहता हूँ। तब सब इंस्पेक्टर ने एसपी देव को वैन में रखी लाश दिखाई। ओ माय गॉड, यह काम सचमुच किसी इंसान का प्रतीत नहीं होता है। आखिर माधो सिंह हत्या किसने की? बन्ने खां कहां गया? फिर कुछ सोच, मिस्टर लाल मुझे इस इलाके के ठाकुर अर्जुन सिंह और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। चौकी के अंदर अपने कक्ष में पहुंच सब इंस्पेक्टर ने सम्मान से देव को बिठाया और फिर ठाकुर परिवार के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद बोला, आज सुबह चंपा जी की इकलौती बेटी रीता शहर से यहाँ पहुंची है। आश्चर्य की बात यह है कि 2 दिन पहले चंपा जी ने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हमसे जो सहायता मांगी थी आज उसे लेने से इनकार कर दिया है। क्या मतलब? सर मैंने 2 सिपाही आज सुबह वैली भेजे थे लेकिन चंपा जी ने उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया कि अब उन्हें पुलिस मदद की जरूरत नहीं है। ओ सिपाहियों को वापस लौटा देने के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी, मुझे स्वयं जाकर पता लगाना चाहिए। यह सोच देव पुलिस चौकी से निकल पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ा। उधर हवेली के सुंदर सुसज्जित कक्ष में रीता गहरी नींद सो रही थी। अचानक खन खनाक, आह, खिड़की का शीशा अपने आप कैसे टूट गया? रीता भी सोच ही रही थी कि तभी आह, अगले पल मम्मी भूभूत। फिर जैसे रीता बरामदा पार कर हॉल में पहुंची, आह ओह डरो नहीं। लेकिन देव की पूरी बात सुनने से पहले रीता बेहोश हो चुकी थी।
अगर देव लपक कर रीटा को बाहों में न थाम लेता तो शायद वह फर्श पर गिर जाती और यह तो बेहोश हो गई। तभी क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची को? लगता डर के मारे आपकी बेटी बेहोश हो गई है। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं देव हूँ। वही देव जिसे 20 साल पहले उसकी माँ के साथ जलाकर मार डालने की कोशिश की गई थी। क्या बकते हो, देव तो मर चुका है। नहीं, देव मरा नहीं, वह जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़ा। चंपा भाई, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे बन्ने खां के बारे में बता दो। बन्ने खां कौन बन्ने खां? ठीक तभी हॉल में दाखिल दाखिल होता बन्ने खां ठिठक कर रुक गया। अरे यह तो एसपी देव है, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? कहीं माधव पुलिस के हाथों नहीं लग गया? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बन्ने खां। अचानक देव खामोश हो गया क्योंकि उसकी निगाह वापस लौटते बन्ने खां पर पड़ चुकी थी। ए ठहरो! लेकिन बन्ने खां को रुकने की बजाय भागते देख देव को संदेह हो गया। वह उसके पीछे लपकता हुआ गरजा, रुक जाओ बन्ने खां, अब तुम बच नहीं सकते। परंतु बन्ने खां रुका नहीं, उसके पैरों को तो जैसे पंख लग गए थे। वह देव को चकमा देता हुआ तेजी से भागता रहा और अंततः घने जंगल में पहुंच गया। जब उसे महसूस हुआ कि देव काफी पीछे रह गया है तो वह एक पेड़ के तने का सहारा ले अपनी अनियमित सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। तभी ही, अब तो बच नहीं सकता बन्ने खां, कौन हो तुम? तेरी मौत नहीं, मुझे पहचान कमीने, मैं वही औरत हूँ जिसे चंपा और ठाकुर के कहने पर तूने और तेरे साथी ने जलाकर मार डाला था। पर मैं मर कर भी नहीं मरी, मेरी आत्मा काली बिल्ली में प्रवेश कर इंतकाम की आग में भटकती रही। आज 20 साल बाद मुझे अपने हथियारों से बदला लेने का मौका मिला है। तेरे साथी माधो सिंह के बाद अब तेरी बारी है। नहीं, मुझे माफ कर। नहीं, कभी नहीं, इंतकाम की आग ने मुझे तुम लोगों का जानी दुश्मन बना दिया है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, तुम्हारे बाद चंपा और उस हवेली को भी। हा। तभी माजी छोड़ दीजिए उसे, वह कानून का मुजरिम है, कानून ही उसे सजा देगा। देव की चेतावनी सुन। देव तू यहां से चला जा, मेरे रास्ते में मत आ। मुझे मजबूर मत कीजिए माजी, मैं कानून का रक्षक हूँ। अपनी आंखों के सामने अपने आप को किसी की हत्या करते नहीं देख सकता। मैं अब तेरी माँ नहीं, सिर्फ जानी दुश्मन हूँ। जा, चला जा देव। कहने के साथ ही दुर्गा देवी का हाथ घूम गया। तड़ाक, आह! पर आर इतना शक्तिशाली था कि देव हवा में तैरता हुआ दूर जा गिरा और गिरते कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो बैठा। थोड़ी देर बाद जब देव की बेहोशी टूटी, ओह, तभी देव के मस्तिष्क में विचार कौंधा। बन्ने खां को समाप्त करने के बाद माँ जी कहीं चंपा को भी समाप्त न कर दे, मुझे फौरन हवेली पहुंचना चाहिए। इस विचार के मस्तिष्क में आते ही देव हवेली की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब हवेली के निकट पहुंचा, सर पता नहीं कैसे हवेली में आग लग गई। हम बड़ी मुश्किल से चंपा बाई की बेटी रीता को ही बचाकर बाहर लाने में सफल हो गए हैं, हो पाए हैं। तभी सबकी निगाह हवेली की छत की तरफ आकर्षित हो गई। मेरा इंतकाम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूं। और फिर उसी क्षण सब ने एक नए तारे को आकाश में जगमगाते देखा, जबकि देव अपने हृदय में अजीब सा सुकून महसूस करते हुए सोच रहा था, अपने हथियारों से बदला लेने के बाद माँ जी की आत्मा को सचमुच शांति मिल गई है। फिर अपनी सोचों को झटका देते देव रोती विदिता के समीप पहुंच गया। मैं नाथ होगी, मेरा कोई नहीं रहा। बू, तू नाथ नहीं हुई है पगली, चल आंसू पोंछ डाल। आज से तेरा सुख दुख का साथी मैं हूं, मैं तेरा भाई देव। भैया, और फिर भाई बहन ने के अपरूप मिलन को देव देख सभी की आंखें छलछला उठी। प्रभु तेरी माया भी अजब है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।